जालबाज चीन नहीं आया अपनी हरकत से बाज, भारत को दिया सबसे बड़ा धोखा। चीन की हरकत देख भारत ने लिया तुरंत एक्शन। सैटेलाइट इमेज से पता चला चीन की हरकत का, भारत ने अपने हाथ में लिया भूटान की सुरक्षा का जिम्मा। जी हाँ दोस्तों, शांति वार्ता की आड़ में चीन ने दिया है भारत को सबसे बड़ा धोखा। एलएसी पर जारी तनाव के बीच गुरुवार को भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए राजनयिक की बातचीत हुई। इस दौरान भारत और चीन ने सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में स्थिति पर स्पष्ट और गहन चर्चा की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों में वरिष्ठ कमांडरों की बैठक अगले दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने पर भी सहमति बनी। हालांकि इसको लेकर कोई तारीख तो तय नहीं की गई है। वहीं चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने किसी तरह की हिंसक घटना को अंजाम नहीं देने का वादा किया है। विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख पर भारत चीन राजनयिक चर्चा के बारे में कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर यानी कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालात पर विस्तृत और स्पष्ट तरीके से बातचीत की। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की जरूरत पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई। साथ ही इसी साल 10 अक्टूबर को हुई दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के बाद के घटनाक्रम की भी समीक्षा की गई। लेकिन दोस्तों, कल भारत और चीन के बीच हुई वार्ता के बाद ही सोशल मीडिया पर सैटेलाइट इमेज वायरल होने लगी, जिसमें चाइना ने भूटान के क्षेत्र में 4 गांव का निर्माण कर लिया है, ऐसी इमेज सामने आई है। दोस्तों, भूटान की धरती पर चीन की घुसपैठ होना भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से भूटान को उसकी विदेश संबंध नीति पर सलाह दी है और अपने सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करना भी जारी रखा है। लेकिन दोस्तों, चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। घुसपैठ और कब्जा करने की अपनी साजिश को लगातार विस्तार देने में चीन की अब एक और चाल सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चीन ने अपनी सीमा से लगे भूटान के करीब 24,700 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है और तो और भूटान की जमीन पर कई गांव भी बना लिए हैं। सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट द्वारा बुधवार को ट्विटर पर पोस्ट की गई तस्वीरों में इस बात का खुलासा किया गया है। चीनी सैन्य विकास पर एक वैश्विक शोधकर्ता ने ट्विटर पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चीन ने भूटानी क्षेत्र में अपने गांव बना लिए हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने भूटान की जमीन पर कम से कम 4 चीनी गांवों का निर्माण किया है। यह विवादित क्षेत्र डोकलाम पठार के पास स्थित है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच भिड़ंत हुई थी। तब भारत और चीन के बीच डोकलाम स्टैंड 70 दिनों से ऊपर चला था, जहां चीन के सैनिकों के हटने के बाद भारतीय सैनिक पीछे हटे थे। लेकिन दोस्तों, चीन ने भूटान में 100 वर्ग किलोमीटर यानी कि 24,700 एकड़ में फैले अपने कई गांवों का निर्माण किया है। भूटान की धरती पर चीन की घुसपैठ भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से भूटान को उसकी विदेश संबंधी नीति पर सलाह दी है और अपने सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करना भी जारी रखा है। भूटान को अपनी भूमि की सीमाओं पर फिर से बातचीत करने के लिए लगातार चीनी दबाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस समझौते की रूपरेखा को कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि ये देखा जाना फिलहाल बाकी है कि क्या इसकी भूमि पर इन नए चीनी गांवों का निर्माण इस समझौते का हिस्सा है। इंटेल लेब के एक शोधकर्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा, डोकलाम के पास भूटान और चीन के बीच विवादित भूमि पर 2020 से 2021 के दौरान निर्माण गतिविधि हुई है। लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कई नए गांव को देखने को मिल रहे हैं। क्या यह चीन के क्षेत्रीय दावों के एक नए समझौते का हिस्सा है? गांवों का निर्माण मई 2020 और नवंबर 2021 के बीच किया गया था। अब पिछले साल एक न्यूज चैनल बताया था कि चीन डोकलाम पठार के करीब एक गांव का निर्माण कर रहा है, जहां 2017 में चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच तनावपूर्ण गतिरोध था। दोस्तों, पिछले महीने ही चीन और भूटान के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेकर एक समझौता हुआ था। यह समझौता डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच 73 दिनों तक चले गतिरोध के 4 साल बाद हुआ है। डोकलाम में गतिरोध तब शुरू हुआ जब चीन ने उस इलाके में एक ऐसी जगह सड़क बनाने की कोशिश की थी जिस पर भूटान का दावा था। इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने आज भूटान और चीन के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जाने का नोट किया है। आप जानते हैं कि भूटान और चीन 1984 से सीमा वार्ता कर रहे हैं। भारत भी इसी तरह चीन के साथ सीमा वार्ता कर रहा है। इस मामले पर भूटान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 3 स्टेप या 3 चरणों वाले रोडमैप पर समझौता ज्ञापन सीमा वार्ता को एक नई गति प्रदान करेगा। भूटान चीन के साथ 100 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए साल 1984 से अब तक 24 दौर की वार्ता की जा चुकी है। जिन 2 इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच ज्यादा विवाद है,
उनमें से एक भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका और दूसरा भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका है। चीन भूटान को 495 वर्ग किलोमीटर वाला इलाका देकर उसको बदले में 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका लेना चाहता है, जिसका बड़ा कारण है भारत पर हमला करना। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना की सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं। उनका मानना है कि चीन हमेशा अपने से कमजोर देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्ते बनाने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने आर्थिक और सैन्य दबदबे से उन देशों को प्रभावित करके अपने फायदे के फैसले करवा सके। और भूटान पर भी यही दबाव चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। वे कहते हैं, भूटान की उत्तरी सीमा पर जिन दो इलाकों पर चीन ने दावा किया है, उनमें से एक चुंबी घाटी का है, जिसके नजदीक डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था। चीन भूटान से वो चुंबी घाटी वाला इलाका मांग रहा है और बदले में उसे एक दूसरा विवादित इलाका देने को तैयार है, जो चुंबी घाटी के इलाके से कहीं बड़ा है। चीन जो इलाका मांग रहा है, वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत का मुख्य और एकमात्र जमीनी रास्ता है। और अगर चीनी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आते हैं तो ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला किया तो पूरे भारत की पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। मेजर जनरल अस्थाना कहते हैं, चिकन से नेक का इलाका भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इलाके में अगर चीन को थोड़ा सा भी लाभ होता है तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। चीन भूटान के साथ सौदा करने की कोशिश कर रहा है और यह सौदा भारत के हित में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही चाइना की भूटान कांड की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद ही भारत सरकार ने तगड़ा एक्शन लेते हुए भारत की भूटान से लगी सीमा पर सभी महत्वपूर्ण चेक पोस्ट पर भारी संख्या में भारतीय जवानों की तैनाती कर दी। इसके बाद अब डोकलाम वाले क्षेत्र पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नाथुला ला के पास सिक्किम की पूरी सीमा पर हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक तैनात खड़े हैं और भूटान से लगी सीमा पर चीन के सामने खड़े हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि चीन के भूटान में बने गांव की तस्वीर सामने आने के बाद दोबारा से डोकलाम स्टैंड ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय सैनिक इस समय भूटान तथा भूटान से लगती भारत की सीमा दोनों जगहों पर भारी संख्या में तैनात खड़े हैं। वहीं दोस्तों, इस घटना के बाद भूटान को भी सबक मिल गया है, जिसमें एक महीने पहले ही चीन के साथ सीमा समझौता किया था, ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात ना बने। लेकिन दोस्तों, चीन ने भूटान को भी धोखा देकर भूटान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब दोस्तों, पहले के मुकाबले सीमा पर हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कल भारत और चीन के बीच हुई वार्ता राजनयिक बातचीत में 14वें दौर की एक सैन्य बैठक की बात कही गई, जिसकी अभी तारीख तो निश्चित नहीं करी गई है, लेकिन इस मीटिंग के जल्द होने की संभावना है। लेकिन अब हालात काफी बदल गए हैं। अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सीमा के साथ साथ सिक्किम, भूटान और डोकलाम जैसे क्षेत्र दोबारा से भारत और चीन के बीच तनाव का एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। और इस जंग के हालात को चीन के द्वारा बनाए गए भूटान के नए चार गांव ने और स्थिति बिगाड़ दी है, जिसके बाद से भारत और चीनी जंगल के बीच होने वाली इस 14वें दौर की बैठक में भारत चीन पर काफी दबाव डालने वाला है और जिसका अंत यही होगा कि इस मीटिंग से भी कोई उम्मीद नहीं है। जिसके बाद अब यही लग रहा है भारत और चीन दोनों फिर दोबारा से एलएसी सीमा पर एक से एक घातक हथियारों की तैनाती करेंगे। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में यदि डोकलाम क्षेत्र में तथा भूटान की सीमा के नजदीक भारत और चीनी सैनिकों की अगर कोई झड़प होती है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस समय सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक छोटी छोटी आंख वाले चीनी सैनिकों को ठोकने के लिए बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं। तो दोस्तों, चीन द्वारा भूटान की जमीन पर कब्जा करने पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भूटान को अपनी पूरी सुरक्षा का जिम्मा भारत के हाथों में सौंप देना चाहिए, ताकि आगे से चीन ऐसी हरकत ना करे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।